दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में जब टकराने लगे, पृथ्वी में भूकंप आ गई, आकाश के तारे टकरा टकरा करके उल्का पात होने लगे, मूसलधार बारिश होने लगी, उस समय पृथ्वी में त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जल्दी से स्थिति को संभाल ले, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसी समय अर्जुन ने मंत्र शक्ति के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्रों को जैसे शांत किया, उस समय अश्वत्थामा ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया, अब तो अश्वत्थामा घबरा गया और वहां से जब भागने लगा, भगवान ने अर्जुन को सावधान किया, अर्जुन जल्दी से पकड़ ले नहीं तो ये भाग जाएगा। अर्जुन रथ से छलांग लगाकर दौड़ लगाकर गए, अश्वत्थामा की चोटी पकड़ी घसीटते हुए लेकर आए और जैसे अर्जुन रथ पर सवार हुए, लटका हुआ अश्वत्थामा नीचे है, भगवान ने रथ को हाँक दिया और रथ जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचा है, द्रौपदी के कदमों में ले जाकर अर्जुन ने जैसे ही अश्वत्थामा को पटका, हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही अर्जुन जी महाराज उद्युत हुए, उसी समय दौड़ लगाकर आई है द्रौपदी और द्रौपदी ने आकर अर्जुन जी के चरण पकड़े। पतिदेव मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु उवाच चाह संत्यस्य वंदनानयनं सति। हे पतिदेव, आप इस दुष्ट का वध मत कीजिए, इस दुष्ट को छोड़ दीजिए, इसको मारिए मत। द्रौपदी तुम क्या कह रही? हाँ पतिदेव, मैं सही कह रही। द्रौपदी ऐसा क्यों कह रही? द्रौपदी ने कहा कि मेरे सामने आप इस दुष्ट को वध भी कर देंगे तो भी मेरे पुत्र मुझे वापस नहीं मिलने वाले, और जितनी पीड़ा मेरे पुत्रों के मारे जाने पर मुझे हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा इस दुष्ट के मारे जाने पर इसकी मां कृपी को भी तो होगी, और ये तो आपका गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसको मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। इतना सुनना था भीमसेन की दांतें कुचकुचाने लगे और भीमसेन ने आकर अर्जुन के कंधे पर एक थप्प मारा और कहा, अर्जुन तू नहीं मारता तो मैं एक ही गदे से इसका राम नाम सत्य कर देता हूं। उसी समय पीछे से आए हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने दोनों भाई के कंधों पर हाथ रखा, नहीं भैया, यदि द्रौपदी कुछ कह रही है तो द्रौपदी की बात को सुनो। और द्रौपदी की ओर जैसे अर्जुन ने देखा, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इसका वध मत करो, वध मत करो। बहुत करुणा भरी निगाहों से अर्जुन को जब द्रौपदी बार बार प्रार्थना कर रही, मेरे भाई बहन, नारी का हृदय दयार्द होता है, ऐसे ही परमात्मा ने नारी भी बनाई। इस घटना को कहते हुए मुझे इस भारतवर्ष की महान नारी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की याद आती है। आप लोगों ने उनके उनके इतिहास में वो कहानी पढ़ी होगी। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी, जिन्होंने काशी का मंदिर बनाया, उनका नाम कौन नहीं जानता भारतवर्ष में? यदि उनका नाम नहीं जानता तो मेरे भाई बहन, अब भारतवर्ष में वो पैदा हुआ कि नहीं शंका। अरे अपनी इतिहास को मान लो, हर किसी को हो पाई है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के जीवन में ऐसी घटना आई है, वो प्रजा के इतनी हित करते थे, उन्होंने अपने राज दरबार के बाहर एक बड़ा सा घंटा लटकाया हुआ था, कोई भी आकर रानी साहिबा को कुछ भी कहना चाहे तो कभी भी आकर घंटा बजा दे और रानी साहिबा उनकी बात सुनेंगी, जो कहीं भी बात सुनवाई ना हो तो रानी साहिबा डायरेक्ट सुनेंगी, ऐसा उन्होंने अपने प्रजा में कहलवा रखी थी और एक घंटा बांध दिया था अपने दरबार के बाहर। एक दिन ये राजसभा में सभा का काम कर रही थी, अचानक टन 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 घंटा बजने की आवाज जब सुना
रानी को लगा कि आज इतना तगड़ा घंटा तो आज तक कभी किसी ने बजाया नहीं था। कोई मेरा प्रजा कोई अत्यंत कष्ट में है, इसलिए इतना जोरदार घंटा बजा रहा है, इसलिए मुझे स्वयं जाना होगा करके रानी साहिबा अपने राजकाज को छोड़कर तत्काल दौड़ लगाकर नंगे पांव दौड़ लगाकर जैसे राजभवन के बाहर पहुंची घंटे के पास, तो देखा एक गाय अपने सींग में घंटे का रस्सी को बांधकर ऐसे ऐसे हिलाती जा रही थी। और रानी साहिबा ने जैसे ही देखा वो गाय ने दौड़ लगाकर वो घंटे की रस्सी से अपना सींग हटाकर दौड़कर आई गाय और रानी साहिबा के सामने नतमस्तक होकर गाय खड़ी हो गई और अपने सिर से इशारा करके आगे की तरफ चलने लगी। तो रानी साहिबा समझ गई कि ये मुझे कुछ कहना चाहती है गाय। तो रानी साहिबा गाय का पीछा करते हुए चली और चलते चलते गाय एक राजमार्ग के बिल्कुल किनारे पहुंची जहां पर एक बछड़ा मरा हुआ था, खून से लथपथ बछड़ा। रानी साहिबा को समझने में देर नहीं लगी कि इसके बछड़े को किसी ने एक्सीडेंट से मार दिया। ये गाय मेरे पास फरियाद लेकर आई थी, रानी साहिबा ने समझ लिया। रानी साहिबा ने वहां पर लोग जो खड़े थे उनसे पूछा कि भैया इसके बछड़े की ये हालत कैसे हुई, कोई भी बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा। एक बुरा सा किसान पतला दुबला उसने आकर रानी साहिबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, रानी साहिबा मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत कर सकता हूं क्या? रानी साहिबा ने कहा, कहो भैया किसने इस बछड़े का वध किया? तब उस किसान ने कहा, रानी साहिबा ये अपराध हुआ है राजकुमार के द्वारा। राजकुमार के द्वारा? कौन राजकुमार? रानी साहिबा आपका पुत्र मालेराव होलकर की रथ से टकराकर यह बछड़ा मरा। रानी साहिबा के नेत्र बंद हो गए। अहिल्या बाई होलकर ने तत्काल अपनी दो बहुएं थी, मालेराव होलकर की दो पत्नी, एक का नाम था परताबाई दूसरे का नाम था मैनाबाई, दोनों को बुलवाया अपने पास और दोनों पुत्र वधु जब आई हैं रानी अहिल्याबाई होलकर के पास, उस समय रानी साहिबा ने दोनों पुत्र वधुओं से पूछा, बहू तुम ये बताओ कि तुम्हारे पुत्र को कोई बिना अपराध के कोई मार दे और तुमको पता लग जाए तुम क्या दंड देना चाहोगे उसको बताओ। अब अटपटा प्रश्न सुनकर दोनों के दोनों बहुएं बिल्कुल आश्चर्य से चकित हो गए। रानी साहिबा आपके द्वारा ये प्रश्न? हाँ हाँ मैं सही प्रश्न कर रही हूं, बताओ तुम बताओ क्या दंड देना चाहिए उसको। अरे रानी साहिबा यदि कोई मेरे पुत्र को वध कर देता है तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए, इसमें कोई पूछने की बात है? रानी साहिबा ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और सबके सामने उसी समय घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में किसी के भी पुत्र को कोई भी किसी भी प्रकार से वध करता है तो उसको मैं मृत्युदंड की ये दंडाधिकार घोषणा करती हूं और आज इस गाय के बेटे को जिसने भी मारा है उसको मैं तत्काल